हेलो फ्रेंड्स, इट इज़ द एजुकेटर्स PIB प्लस हिंदू एनालिसिस 7 अक्टूबर 2017। नोट्स बनाने की चिंता अपने को कोई रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल अवेलेबल रहेगा, ठीक है? तो सुनने पर ध्यान देना। और दोस्तों, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा द एजुकेटर्स का, ठीक है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन ग्रुप्स में हम प्रीलिम स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो जो 2018 के एस्पायरेंट्स हैं उनको ये ग्रुप ज्वाइन करना काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। कोई फालतू बकवास इन ग्रुपों में नहीं रहती है, सिर्फ जो डाउट्स हैं और क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है? ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको कोई बेफिजूल की नोटिफिकेशन से इस ग्रुप में तंगी ना आए, ये मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, ठीक है ना? दूसरी चीज़, हमने एक इस ग्रुप में एक टेस्ट कंडक्ट किया था 40 क्वेश्चंस का परसों, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स और सितंबर के करंट अफेयर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। वो क्वेश्चंस आपके स्ट्रिक्टली UPSC पैटर्न के ऊपर हैं, ठीक है ना? तो उन क्वेश्चंस को ऐसा दिखाने के लिए कि बहुत ज़्यादा टफ जो UPSC नहीं पूछता जैसे सवाल, वैसे सवालों को उसमें नहीं डाला गया, स्ट्रिक्टली UPSC पे पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं। काफ़ी क्वेश्चंस उसमें ऐसे हैं जो UPSC के पास्ट ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट जो है मैंने वो डाल दी है यूट्यूब चैनल पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के, उससे आप देख सकते हो और आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं और आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से हो जाएगी। तो अब करंट अफेयर्स देख लेते हैं आज के फटाफट से। सबसे पहले GS2 में देख लेते हैं। PM's अपकमिंग विजिट टू गुजरात, तो PM हमारे गुजरात जाने वाले हैं अब, ठीक है, दोबारा से। तो वहाँ पर कुछ उनके जो प्रोग्राम फिक्स्ड है उनको देख लेते हैं। एक तो वहाँ पर वो लॉन्च करेंगे PMG दिशा को। अभी PMG दिशा जो है ये कोई नई स्कीम नहीं है, इसको इनिशिएट किया गया था फरवरी 2017 में। डीमोनेटाइजेशन के बाद गवर्नमेंट को ये फील हुआ था कि रूरल और अर्बन इंडिया में एक डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही थी कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप डिजिटल मोड के थ्रू कीजिए, लेकिन जो गरीब आदमी है जो रूरल एरिया में रहता है उसको पता ही नहीं, वो डिजिटली इलिटरेट है, तो वो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करने में सक्षम नहीं था। तो उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए PMG दिशा जो थी सरकार ने बनाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्त्र अभियान। इसका मेन जो गवर्नमेंट का एम था इस स्कीम के थ्रू, वो था टू प्रोवाइड बेसिक डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग टू 6 करोड़ सिटीजन्स अक्रॉस रूरल इंडिया विद इन 2 ईयर्स, ठीक है, टारगेटिंग एटलीस्ट 1% फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड। मतलब रूरल एरिया के हर घर से एक आदमी को तो हमें डिजिटली लिटरेट करना ही करना है, ताकि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या जो भी चीज़ डिजिटल इंडिया के थ्रू हम प्रमोट कर रहे हैं वो रूरल एरिया तक भी पहुँच पाए। सिटीजन्स ट्रेंड अंडर PMG दिशा वुड बी स्किल्ड इन ऑपरेटिंग डिजिटल डिवाइसेज लाइक कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स एंड यूज इंटरनेट इन डेली लाइफ फॉर एनहेंसिंग देयर स्किल्स एंड नॉलेज। एक्सेस गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज, जो गवर्नमेंट सारी सर्विसेज देती है, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल। PMG दिशा इज एम्ड एट इम्पार्टिंग डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, ये हम देख चुके हैं, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब चीज़ों को, जो भी चीज़ इंडिया डिजिटल इंडिया से प्रमोट करना चाह रही है। अब डिजिटल इंडिया के थ्रू सरकार कहती है कि हमने ऑनलाइन हम आपको पढ़ाएंगे, EPG पाठशाला जैसी जो स्कीम्स है, सक्षम जैसी जो स्कीम्स हैं, ठीक है, संयम पोर्टल जो बनाया गया है, वो रूरल एरिया के लोग तभी उसको देख पाएंगे ना जब उनको कंप्यूटर चलाना होता होगा, जब उनको इंटरनेट चलाना होता होगा। तो इसीलिए इन चीज़ों को जो है प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद आप देखें जो स्कीम है वो आपकी डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे भी फोकस करेगी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू ट्रेनिंग सेंटर्स, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, हर पंचायत में एक ट्रेनिंग सेंटर रहेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से 2.5 लाख पंचायत हैं कुछ हमारी कंट्री में, तो 2.5 लाख ट्रेनिंग सेंटर्स को इस स्कीम के अंडर बनाए जाने की बात की जा रही है। कॉरपोरेशन जो होगा, जो कॉरपोरेट्स हैं कंट्री में, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं थ्रू देयर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर उन्हें कुछ पैसा सोशल सेक्टर में लगाना होता है। और NGOs को भी कहा गया है कि आप भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अपनी यूज़ कर सकते हैं टू कंडक्ट ट्रेनिंग सेशंस, जिसमें आप डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम को प्रमोट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो प्रधानमंत्री करेंगे वो करेंगे लॉन्च ऑफ IMTECO। अभी IMTECO क्या है आपका? इट इज़ एन इनोवेटिव मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ आशा थ्रू बेटर सुपरविजन, सपोर्ट एंड मोटिवेशन फॉर इंक्रीजिंग कवरेज ऑफ प्रूवन मेटर्नल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ इंटरवेंशन अमंग रिसोर्स पुअर सेटिंग्स इन इंडिया, ठीक। तो बेसिकली ये आपकी एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन है, इसमें आशा वर्कर्स के लिए सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, क्या क्या जो नए चेंजेस आएंगे वो आ जाएंगे, आशा वर्कर्स का जो सैलरी वगैरह का स्ट्रक्चर होगा वो सारा इसमें होगा, क्या क्या नीड्स हैं एरिया की वो आशा वर्कर्स इसमें अपलोड कर पाएंगे। तो ये सारा जो है IMTECO जो है ऐप उसके लिए लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री। IMTECO स्टैंड्स फॉर इनोवेटिव मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑपरेशंस। टेको इन गुजराती मीन्स सपोर्ट, देयरफॉर IMTECO मीन्स IM सपोर्ट, ठीक है ना? तो सिंपल सा है, क्लियर हो जाता है उससे। SC लिफ्ट्स वेल ऑन
कोलेजियम रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो ये काफ़ी एक लैंडमार्क स्टेप लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट को अभी तक क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम है, जो हायर अपॉइंटमेंट्स जुडिशरी में रिकमेंड करता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जजेस की हो या हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफ़र हो या अपॉइंटमेंट हो, तो वो कोलेजियम के थ्रू रिकमेंड होता था। तो अभी तक क्या था, ये कोलेजियम में जो अपॉइंटमेंट्स की जाती थी वो काफ़ी सीक्रेसी में रहती थी कि क्या बेसिस है, किस बेस पे किसी को अपॉइंट किया गया है, क्या उसके लिए बेस लिया गया है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि आप एक इसमें ऐसे सीक्रेसी नहीं मेंटेन कर सकते हो, और आपको जनता को बताना होगा कि आपने किसी को क्यों एक्सेप्ट किया है और किसी कैंडिडेट को क्यों रिजेक्ट किया है। तो उस सबको क्लियर करने के लिए एक स्कीम बनाई गई थी, ठीक है। तो दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, अभी उन्होंने ये स्टेप लिया है टू अशर ट्रांसपेरेंसी इन सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, ठीक है। हैज़ रिजॉल्व टू गो पब्लिक विद ऑल इट्स रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट ट्रांसफर एंड एलिवेशंस टू हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। रिकमेंडेशंस विल बी अपलोडेड ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स वेबसाइट। द कोलेजियम विल फर्दर इंडिकेट द रीजन फॉर विच इट हैज़ डिसाइडेड टू रिकमेंड और रिजेक्ट नेम्स फॉर अपॉइंटमेंट ट्रांसफर और एलिवेशन टू हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो 24 साल हो गए हैं कोलिजियम को बने। 1993 में सेकंड जज केस के बाद ये बना था, और उसके बाद से जो अभी तक अपॉइंटमेंट्स होती रहती थी वो मिस्टीरियस रहती थी, क्योंकि कुछ पता नहीं रहता था कि किसी को क्यों अपॉइंट किया, क्यों हटाया। तो अब इस स्टेप के बाद ये चीज़ जो है सुधार इसमें आएगा। वाई कांट हैंगिंग बी स्टॉप्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंटर को ये सवाल पूछा है कि भैया जो तुमने तुम्हारा लॉ है आईपीसी है, उसमें डेथ सेंटेंस के बारे में है, तो चलो हम डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन डेथ सेंटेंस हैंगिंग के थ्रू ही क्यों देना है। हैंगिंग सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि काफ़ी ही एक दर्दनाक मौत जो है वो विक्टिम को देती है, ठीक है। भले ही वो क्रिमिनल है, लेकिन उसके भी कुछ राइट्स हैं, और आप उसको इतना डेडफुल डेथ नहीं दे सकते। आप साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो आप साइंस के उन तरीकों से कुछ ऐसा तरीका ढूंढिए कि आप पेनलेस डेथ दे सकें, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि आप, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा कि आप जो जो डेथ पनिशमेंट है उसको हटा दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जो डेथ पनिशमेंट आप दे रहे हो उसको थोड़ा ऐसे दीजिए कि जिसको पनिशमेंट मिल रही है उसको बहुत ज़्यादा कुछ पेन ना हो, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि हम हटाने को नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ आपको तरीका ठीक करने को कह रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो लाइफ और डिग्निटी है आपका आर्टिकल 21। अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का यहाँ से एक और नया चीज़ निकाला है कि आर्टिकल 21 में जो लाइफ एंड डिग्निटी है, ठीक है, वो इंसान को डिग्निटी से मरने का भी हक देती है, ठीक है। वो इंसान को डिग्निटी से मरने का भी हक देती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद नोबेल प्राइजेस का दौर चल रहा है, तो नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। किसको मिला है? इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है, जिसका फोकस मेनली ये है कि वो जितने भी पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके अबॉलिशमेंट के लिए ये बात करती हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इनके बारे में। आई कैन फोकस इज ऑन द थ्रेट टू ह्यूमैनिटी पोज बाय न्यूक्लियर आर्म्स, वर्क्स ऑन बिल्डिंग ग्लोबल सपोर्ट फॉर एबॉलिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, फाउंडेड इन वियना In 2007, ICANN has support of more than 400 NGOs across the world. It was a key player in the adoption of a historic nuclear weapons ban treaty signed by 122 countries on July 7, 2017. ठीक है ना, तो ये सब इसके बारे में है, ये हम सब देख चुके हैं। However, लेकिन ये जो हमने अकॉर्ड की बात करी ये सिम्बॉलिक ही रहा, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इसे रेटिफाई नहीं किया, और इसको फोर्स में आने के लिए रेटिफिकेशन की ज़रूरत है, जो अभी तक हो नहीं पाया है। नोबेल पीस प्राइज़ जो है ये एक, इसमें गोल्ड मेडल मिलता है आपको, और 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर्स, जो अराउंड 1.1 मिलियन डॉलर्स जिनकी वैल्यू रहती है, वो मिलता है। ऑस्लो में ये दिया जाता है, ऑस्लो आपका नॉर्वे में है, ऑन दिसंबर 10 जो है वो सिम्बॉलिकली जो है एनिवर्सरी होती है ऑफ द डेथ एनिवर्सरी होती है आपके, जो एल्फ्रेड नोबेल थे, जो एक स्वीडिश फिलेंथ्रोपिस्ट थे। फिलेंथ्रोपिस्ट वो होते हैं जिनको इंसानी ज़िंदगी से प्यार होता है, ठीक है ना। तो अब न्यूक्लियर की बात हो ही रही है, तो ट्रंप साहब अब रायता फैलाने में लगे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने ईरान के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था 2015 में, उसको डिसर्टिफाई कर देंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या चर्चा चल रहा है। तो जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनका ये कहना है कि ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील हमने साइन की थी, जिसको जॉइंट कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, वो उस डील के अंदर जो सारे प्रोविजंस थे, ईरान उसको फॉलो नहीं कर रहा है,
मतलब उसमें एक प्रोविज़न था कि ईरान को अपने न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स नहीं करने हैं और वेपन्स डेवलप नहीं करने हैं। तो यूएस का ये कहना है कि नहीं, वो ऐसा कर रहे हैं अब, और इसकी वजह से इस डील के जो प्रोविज़न्स हैं वो वॉयलेट हो रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो इस डील में एक मेजर जिसने रोल प्ले किया, और बाकी की 5 कंट्रीज़ जो सिग्नेटरीज हैं इस डील की, जो हैं आपकी रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी एंड यूके, उन सबका कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ईरान है वो फुल्ली कॉम्प्लियंट है अपने डील के साथ। लेकिन यूएस जो है वो अलग कह रहा है। अब जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मिस्टर ट्रंप हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं क्या कह रहा है। इनके ऊपर जो मेनली प्रेशर आ रहा है वो यूएस की जो मेन अमेरिकन अलाइज हैं, जो इसराइल और सऊदी अरेबिया, क्योंकि वो कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा यूएस पे अब बोल रही हैं कि नहीं, आप ये ईरान के साथ जो डील वील किया है, आपने सेंक्शन वेंक्शन हटा दिए हैं, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, आप इनको ज़रा चेंज कीजिए। तो वो सब ये बातें कर रहे हैं। तो अभी इसमें है क्या, न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट था, ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट था, ये इसमें रिव्यू एक्ट क्या होता है, इस डील के अनुसार जो प्रेसिडेंट है यूएस का, उनको हर 3 महीनों में कांग्रेस को ये सर्टिफाई करके देना है, यूएस की कांग्रेस को ये सर्टिफाई करके देना है कि ईरान जो है डील के प्रोविजंस से कॉम्प्लियंट है, वो उनके प्रोविजंस को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो हर 90 दिन में यूएस प्रेसिडेंट को कांग्रेस को ये बताना होता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स पे यूएस के प्रेसिडेंट को कांग्रेस को बताना होता है। वो क्या है, ईरान हैज़ नॉट कमिटेड अ मटेरियल ब्रीच, ठीक है, कोई न्यूक्लियर मटेरियल का स्टॉकपाइल नहीं कर रहे हैं। ईरान हैज़ नॉट टेकन एनी एक्शन दैट कुड सिग्निफिकेंटली एडवांस ए न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए कुछ एडवांसमेंट तो नहीं कर दिया है। सस्पेंशन ऑफ, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ सेंक्शंस इज अप्रोप्रिएट एंड प्रोपोर्शनेट टू मेजर्स टेकन बाय ईरान एंड वाइटल टू यूएस नेशनल इंटरेस्ट। तो मेनली यूएस नेशनल इंटरेस्ट को इसमें देखने जाने की बात कर रही है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 बार इसको सर्टिफाई कर दिया है, मतलब 3-3 महीने के गैप पे वो 2 बार इसको सर्टिफाई कर चुके हैं। अब अगली सर्टिफिकेशन की डेट जो है वो अक्टूबर 15 की है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको थर्ड टाइम जो है सर्टिफाई नहीं करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि यूएस के जो यूरोपियन पार्टनर्स हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, और खुद यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी लोगों का ये कहना है कि अगर अमेरिका इस डील से विड्रॉ कर जाता है तो ये डिस्टेबलाइज कर सकता है इस रीजन को। ठीक है ना, अब आगे क्या होता है, क्या नहीं होता, ईरान क्या इस पे स्टैंड लेता है, और यूएस सच में इसको, यूएस प्रेसिडेंट जो है सच में इसको नलीफाई कर देते हैं, वो हम देखेंगे अक्टूबर 15 के बाद। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैनी इंडियंस स्किप न्यूट्रिशियस फूड। तो ये एक रिपोर्ट आई थी आपकी, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो ने एक रिपोर्ट निकाली थी, उन्होंने एक नेशन वाइज स्टडी की थी, तो उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या हाईलाइट किया है, आपकी रिपोर्ट का नाम था डाइट एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये सर्वे किया था नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो ने। तो इनका ये कहना है कि जो इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा फूड कंजम्पशन में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, मतलब अर्बन एरिया अगर कोई नॉर्थ इंडिया का है तो वो अलग टाइप का फूड कंज्यूम कर रहे हैं, और अगर कोई अर्बन एरिया सेंट्रल इंडिया का है तो वो अलग टाइप का फूड कंज्यूम कर रहे हैं। और इंडियंस जो हैं वो काफ़ी कम मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स जो हैं उनको कंज्यूम कर रहे हैं, जो वाइटल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनका कंजम्पशन जो है वो इंडियन पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा कम है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने हाईलाइट करी वो ये कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल थ्रेट बन चुके हैं, और इसका कारण क्या है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस बढ़ रहे हैं, उसका कारण है फूड हैबिट्स में चेंज होना। आप जंक फूड खा रहे हैं, मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब खा रहे हैं। ठीक है, सेडेंटरी बिहेवियर एंड अनहेल्दी लाइफ स्टाइल्स जी रहे हैं। अब यूपीएससी की तैयारी करने बैठ गए हैं, ठीक है, रातों को 3-3, 4-4 बजे तक सोते हैं, सर्कैडियन साइकिल अपना ख़राब करके बैठे हैं। ठीक है ना, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रमोट करते हैं। इस रिपोर्ट ने कुछ चीज़ें हाईलाइट भी की, जैसे कि हाइपरटेंशन रिपोर्ट बताती है कि केरला में हाईएस्ट है बोथ अमंग मेन एंड वुमेन, और बिहार में ये लोएस्ट है। वैसे ही अगर डायबिटीज़ देखें इस रिपोर्ट के हिसाब से, तो पुडुचेरी में डायबिटीज़ हाईएस्ट है और मद्रास, मध्य प्रदेश में लोएस्ट है। टबैको स्मोकिंग जो इंडिया के अर्बन मैन करते हैं वो हाईएस्ट आपको वेस्ट बंगाल में विटनेस होती है। ठीक है, एल्कोहल कंजम्पशन अमंग अर्बन मैन, ये भी सबसे ज़्यादा आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलेगी, और लोएस्ट आपको मिलेगी गुजरात में, क्योंकि गुजरात हमें पता है कि ड्राई स्टेट है, तो काफ़ी वहाँ पर प्रॉब्लम रहती है दारू पीने में।
Next, help soon for border residents, new group to examine problems of people in J&K affected by park firing. तो हमको पता है कि LOC वाला जो J&K में रीजन है वहाँ पर बहुत बार सीज़ फायर वायोलेशन होती हैं, तो सीज़ फायर वहाँ पे आसपास LOC के पास आसपास गांव भी है, तो जब सीज़ फायर वायोलेशन होती है तो जो गोली बम सब बॉर्डर एरिया में दोनों आर्मी की तरफ से आता है वो क्या होता है कि विलेजेस को इफ़ेक्ट कर देता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। तो सरकार ने अब क्या किया, एक स्टडी ग्रुप बनाया है जिसमें ये देखा जाएगा कि जो भी विलेजेस हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको कैसे हम डील करें और उनको कैसे एक सोल्यूशन प्रोवाइड करें, तो उसके लिए ये कमेटी बनाई गई है और देखेंगे इस कमेटी में फिर क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। GS3 में देख लेते हैं, तो 5800 कंपनीज विद 13140 सस्पिशियस अकाउंट्स, ठीक है। तो अभी जब सरकार ने काफ़ी ज़्यादा जो शेल कंपनीज़ थी और छोटी मोटी कंपनीज़ थी जिनको उनको शक था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और पैसा काला पैसा छुपाने के लिए बनाई गई हैं, उनको डीलिस्ट किया था, तो उसमें से कुछ 5800 कंपनीज़ में सरकार ने पाया है कि उन 5800 कंपनीज़ के नाम पे 13140 अलग अलग अकाउंट्स थे, ठीक है। तो एक एक कंपनी के 100-100 अकाउंट थे, ठीक है, एक एक कंपनी के नाम से 100-100 अकाउंट थे, और एक कंपनी में तो ऐसा पाया गया कि उस अकेली कंपनी के नाम पे 2134 अकाउंट्स थे, ठीक है। तो ये जो अकाउंट्स बनाए गए थे डीमोनेटाइजेशन से पहले, सरकार का ये कहना है कि डीमोनेटाइजेशन से पहले इन अकाउंट्स में कुछ भी चिंदी सा पैसा रखा होता, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, ऐसा पैसा रखा होता था। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ, इन अकाउंट्स में एकदम से पैसा करोड़ों में आ गया, ठीक है। अब एक कंपनी के नाम पे 100-100 अकाउंट, ठीक है, हर अकाउंट में डीमोनेटाइजेशन के बाद इन्होंने अपना पैसा डालना शुरू कर दिया कि ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए, और जैसे ही ये बैंक में जाकर वाइट हो गया इन्होंने इसको तुरंत निकालना भी शुरू कर दिया। तो सरकार ने कहा कि कुछ नोटबंदी के बाद कुछ 4574 करोड़ रुपीज़ इन अकाउंट्स में जमा हुआ, और तुरंत जमा होने के बाद विड्रॉ भी हो गया 4552 करोड़ रुपीज़। तो उससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा शेल कंपनीज़ ने गदर मचाया हुआ है हमारी इकोनॉमी में, और कितना ज़्यादा ये ब्लैक मनी को अपनी बचाने के लिए कैसे इन्होंने छोटे छोटे अकाउंट्स खोले हुए हैं। तो सरकार अब इस चीज़ पे जो है एक्शन लेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेंटर प्रपोजेज 3 ईयर लाइसेंस फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड अ मेजर ओवरहॉल इन द कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉ विच इंक्लूड्स अ 3 ईयर लाइसेंस फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स टू वर्क अक्रॉस द कंट्री इंस्टेड ऑफ अ सेपरेट वन फॉर न्यू वर्क ऑर्डर्स। पहले क्या होता था, कॉन्ट्रैक्टर को अगर कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी प्रोजेक्ट लेना है, ठीक है, तो हर प्रोजेक्ट के लिए उसे अलग से लाइसेंस लेना पड़ता था सरकार से। अब सरकार क्या कह रही है कि आपको हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे एक बार लाइसेंस ले लीजिए और उस लाइसेंस पे आप 3 साल तक काम कीजिए, आपको हर प्रोजेक्ट के लिए हमसे अलग से परमिशन लेने की या लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर को अपने इस लाइसेंस लेने के टाइम पे क्लियरली डिफाइन करना होगा पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क। ऐसा नहीं है कि वो आज कह दे कि मैं इस काम के लिए लाइसेंस ले रहा हूँ और वो उस लाइसेंस पे कोई और काम करना शुरू कर दे। उसे अपना काम बताना होगा कि वो क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्या काम करता है, और उसके हिसाब से उसको लाइसेंस दिया जाएगा, और उसको 3 साल तक अगर वही काम कर रहा है तो वो लाइसेंस वैलिड रहेगा, अगर उसे और किसी फील्ड में काम करना है तो उसे जो है लाइसेंस दूसरा अपना बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर पूरे इंडिया में कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस मिल जाएगा, और अगर स्टेट में काम करता है तो स्टेट गवर्नमेंट से आप लाइसेंस ले सकते हो और 3 साल तक उस पर काम कर सकते हो। लेकिन लाइसेंस तो आपको मिल जाएगा, आपको हर बार लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, लाइसेंस नहीं लेने जाना पड़ेगा, लेकिन जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट अपने अंडर लोगे तो आपको एक बार इन्फॉर्म ज़रूर करना पड़ेगा सरकार को, ठीक है ना। इट ऑल्सो मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर हु प्रोवाइड सर्विसेज एंड दोज हु प्रोवाइड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स और जो ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब लेबरर्स जो प्रोवाइड करते हैं वो भी इसमें डिस्टिंक्ट कर दिया गया है। अब पहले जो कॉन्ट्रैक्टर्स ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे, जैसे कहीं अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, ठीक है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर को आपने लेबर सप्लाई करने के लिए कह दिया, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई करने के लिए कह दिया, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पर उस कंस्ट्रक्शन एरिया में एक तो कैंटीन मेंटेन करनी पड़ती थी छोटी मोटी खाने पीने के लिए, और एक रेस्ट प्लेस मेंटेन करनी पड़ती थी जहाँ पर जो है लेबरर्स रेस्ट कर सकें, ठीक है। तो पहले ये कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि हम लॉ को अमेंड करके ऐसा करेंगे कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर नहीं आएगी, ये एम्प्लॉयर के ऊपर आएगी। एम्प्लॉयर यानी कि जिसने कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया है बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है ना। पहले कॉन्ट्रैक्टर पर आती थी, अब एम्प्लॉयर के ऊपर आ जाएगी।
If a work order is given to a contractor who has hired employee on payroll, then the workers will not be treated as contract workers under the Contract Labour Act according to a proposed clarification in the law. अब पहले क्या होता था, अब जैसे आपने वो सुना होगा ना, दिहाड़ी मजदूर, ठीक है, दिहाड़ी पे अगर कॉन्ट्रैक्टर ने ले लिया, ठीक है, जो डेली वेज के ऊपर काम करते हैं, तो पहले क्या होता था, अगर कॉन्ट्रैक्टर ने डेली वेज पे ऐसे एम्प्लॉय लोगों को लिया है, लेबरर्स को लिया है, तो वो एज ए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ही उनको ट्रीट करना पड़ता था, ठीक है ना. लेकिन अब सरकार ने कह दिया कि नहीं, उनको आपको एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. उसके बाद द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो प्रपोज टू मेक वेज पेमेंट्स प्राइमरीली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करने की बातें कर दी. जो ये प्रपोज लॉ है, इट इज़ इन लाइन विद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 181 ऑन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, ठीक है. अब इस एक ऐसे लॉ को बनाने की ज़रूरत क्या है, ऐसे लॉ को बनाने की ज़रूरत ये है कि अभी कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, उनको हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है, तो हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से लाइसेंस ना लेना पड़े इसीलिए वो हाइड करते हैं खुद को, ठीक है, कॉम्प्लेंस नहीं करते लॉ के साथ, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लॉज आ जाते हैं, ठीक है, अच्छे से लेबर लॉज फॉलो नहीं होते. तो अगर उन्हें ऐसा हर बार अलग से लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा तो बेटर उनकी जो है सर्वेलेंस की जा सकती है. नेक्स्ट, जीएसटी काउंसिल गिव्स रिलीफ टू एक्सपोर्टर्स स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है. तो जीएसटी काउंसिल्स ने कुछ रिफॉर्म्स लेके आए हैं, तो सबसे पहले तो रिफॉर्म्स देख लेते हैं. एन ई वॉलेट फॉर एक्सपोर्टर्स टू बी सेटअप बाय अप्रैल 1, 2018. अभी ये देखते हैं ई वॉलेट क्या है. अ स्मॉल जीएसटी लिवाई ऑन 0.1% ऑन एक्सपोर्ट्स टिल मार्च 31, 2018. काफ़ी कम जीएसटी लिवाई लगेगा एक्सपोर्ट्स पे. जीएसटी एग्जेम्पशन फॉर एक्सपोर्टर्स टिल मार्च 31. एक्सपोर्टर्स टू गेट टैक्स रिफंड्स बाय अक्टूबर 10 फॉर जुलाई एंड बाय, तो जो अभी तक टैक्स क्रेडिट नहीं मिला उसको जल्दी जल्दी से करने की बात कर दी. बिजनेस विथ टर्नओवर ऑफ अप टू ₹1.5 करोड़ अलाउड टू फाइल क्वार्टरली रिटर्न एज अगेंस्ट मंथली फाइलिंग. तो सबसे पहले सबको मंथली फाइलिंग करना होता था जीएसटी रिटर्न का, लेकिन अब जो छोटी कंपनी है, जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज हैं, उनका जो है वो कम कर दिया है, ठीक है, तो उनको मंथली नहीं अब क्वार्टरली करना होगा. कॉम्प्लेक्स बर्डन ऑफ जीएसटी एंड स्मॉल टैक्स पेयर्स अंडर जीएसटी बिंग कट, ठीक है, काफ़ी चीज़ों पर जो टैक्स रेट है, जीएसटी रेट है, उसको कम कर दिया गया है. अब ये आपका ई वॉलेट क्या है, ई वॉलेट में सीधा सीधा हिसाब मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूँ, बाकी इसमें अभी और ज़्यादा डिटेल आएगी, ठीक है ना. ई वॉलेट में, ई वॉलेट में क्या होगा, जैसे किसी ट्रेडर का पिछले साल का इनपुट टैक्स क्रेडिट पता है सरकार को कि भाई इसने इतना टैक्स भरा था, उसके हिसाब से इतना टैक्स क्रेडिट इसका बना था, तो इस साल क्या होगा, एक ई वॉलेट हर एक्सपोर्टर को सरकार बना के देगी. उस वॉलेट में जो पिछले साल उसका क्रेडिट बना था उसका एस्टिमेट सा लगा के इस बार के ई वॉलेट में सरकार उतना पैसा डाल देगी, ठीक है, उतना उसका पैसा डाल देगी. अब इस साल का जब इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका बनेगा, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल पिछले साल उसका ₹1,000 का टैक्स क्रेडिट था, ठीक है, तो ₹1,000 जो है सरकार उसको डाल देगी ई वॉलेट में, तो उसको वेट नहीं करना पड़ेगा कि यार टैक्स क्रेडिट आएगा, उसका पैसा फंसेगा नहीं, ठीक है, सरकार पहले से डाल देगी. अब फॉर एग्जांपल उसका इस बार का जो टैक्स क्रेडिट है ₹2,000 बना, पिछले साल का 1,000 था, इस बार का 2,000 बन गया, तो सरकार बाद में उसको ₹1,000 और एज ए टैक्स क्रेडिट दे देगी, ठीक है ना. और अगर उसका टैक्स क्रेडिट जो है इस बार का कम बना तो वो वॉलेट में से अपने आप डेबिट हो जाएगा. अगर आपको ये चीज़ अभी भी समझ नहीं आई है तो कोई इसमें चिंता की बात नहीं है, ठीक है, एक दो दिन इस पे थोड़ा सा और डिटेल आ जाने दो, फिर हम इसे अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना. तो आज इतना ही था, सब्सक्राइब कर लेना आपको अच्छा लगा हो तो, इससे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, और वो क्विज जो है वो ज़रूर सॉल्व कर लेना क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प करेगा. थैंक यू वेरी मच.